विकसित राष्ट्र नहीं बन पाए, केवल विकासशील राष्ट्र बनकर रह गए। क्यों रह गए? क्योंकि हम काम नहीं करना चाहते। ये काम ना जो करने वाली संस्कृति है ना, इसने हमें आज भी विकसित राष्ट्र की श्रेणी में रख छोड़ा है। आज गणना होती है कि ठाकुर साहब काम नहीं करते सबसे बड़े आदमी हैं। अरे बिल गेट्स जो 18-18 घंटे काम करता, दुनिया का सबसे बड़ा आदमी है, तो वो बढ़िया कि जब वो आदमी ठाकुर साहब काम नहीं करते बड़ा आदमी है क्या? पूरे आप गांव में आसपास जाएंगे सबसे बड़ी चर्चा होगी, अरे काम नहीं करते बहुत बड़े आदमी है, ये काम नहीं करते सात दिन बैठे रहते बहुत बड़े आदमी, कैसे बड़े आदमी बनेंगे भाई? दुनिया का सबसे बड़ा आदमी होता जो निरंतर क्रियाशील रहता वो बड़ा आदमी होता, वो नहीं होता जो अकर्मण्य होता। अरे कुर्वन्ते कर्माणि यदि विशतताम सताम, अच्छे कार्य करते 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए, वो इंसान होता है कर्म करते हुए, खाली बैठ के कुछ नहीं होता। क्या शास्त्री जी ने वो नारा भूल गए कि आराम हराम है? नारा दिया था शास्त्री जी ने कि क्या दिया था कि आराम हराम है, आज तो आराम ही आराम कर रहे हैं। कब करेंगे काम? क्या 71 साल का समय कम है क्या? क्या 71 साल का समय जागने के लिए अभी नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे? अरे जापान को देखो, अरे चीन को देखो और उन राष्ट्रों की ओर देखो जिनकी अपनी भाषा है। आज मुझे बड़ा अजीब सा लगता है जब अन्य भाषाओं में हम सब लोग बात करते हैं। क्या चीनियों ने चाइनीज में उन्नति नहीं की? क्या जापानियों ने जापानी भाषा में उन्नति नहीं की? क्या जर्मनी ने जर्मनी भाषा में उन्नति नहीं की? और आप दूसरों की रीस करते हैं, आपका क्या अपना अस्तित्व कोई पहचान नहीं है? अरे गिरते हैं ऐसे सवार मैदान जंग में उतने फिर क्या गिरेंगे घुटनों के बल चले? अरे गिरेंगे तो वो जो घोड़े पर सवारी करेंगे वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चल रहे, वो तो पहले ही गिरे हुए। उठकर जागे भाई, कब जागोगे? कब सोए शेर ही जागेंगे ये मेरे शेर, कब जागेंगे? कब जागने का समय आ गया है। हिंदुस्तान को आगे बढ़ाइए, हिंदुस्तान को सिरमौर बनाना है, तभी होगा जब आप काम करेंगे, निकम्बे बैठ के कुछ नहीं मिलने वाला। तो जागिए आप सभी। आपकी जागने से सिस्टम जागेगा, ये तंत्र जागेगा, ये गण जागेगा। ये गणतंत्र जो व्यवस्था है ये ऐसे नहीं कि यूं ही मिल गई आपको, ये गणतंत्र की व्यवस्था महाजन पद काल से आई। गई इतिहास को देखें आप, क्योंकि मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं, इतिहास पढ़ाता भी हूं, ये उस समय से, उस समय से गण और तंत्र दोनों चले आ रहे हैं। लेकिन आज जरूरत है जागने की, जो चीजें हमको बताई जाती है उनको समझने की और सोचने की। एक क्रियाशील व्यक्ति बनता है, आपको काम करना है, काम के बिना आदमी की पहचान नहीं। अगर आप काम नहीं करेंगे तो कोई भी आपको नहीं जानेगा, कोई नहीं जानेगा। एक छोटा सवाल मेरा आपसे, पिछले दिनों में मुझे कहीं जाने का अवसर मिला था, तो वहां पे कुछ इस तरह की बातें हो रही थी कि अन्य देशों के विश्वविद्यालयों में जो शोध पत्र जारी होते हैं, शोध पत्र समझते हैं, रिसर्च जिसे कहते हैं, खोज जिसे कहते हैं, हमारे इंडिया में केवल 1100 शोध पत्र लिखे जाते हैं, वही अमेरिका में यह संख्या 7-10 हजार है। सर इससे ज्यादा सोचने अवस्था और क्या होगी? काम करने से, पढ़ने से, कोई नई चीज देने से काम चलेगा? ये जो रटे रटने वाली चीजें हैं इनको बंद कर दीजिए। अध्यापक यहाँ पे बहुत सारे बैठे हैं, सर एक जो चीजें हैं उसको दीजिए, जो नेचुरल चीजें उनको बांटिएगा। ये जो किताब वाली चीजें, अभी मैं कुछ सारे सवाल आते हैं यहाँ पे सुन रहा था, तो सवाल तो मुझे बड़े अजीब से लगे, सात समुद्र कौन तैरे, कौन तैरेगा भाई सात समुद्र? वो इंग्लिश चैनल को तैर कर बात हुई आखिर, भाई सही जवाब था, लेकिन वो सात समुद्र वाली बात, सात समुद्र वाला कोई कभी तैर ही नहीं सकता। तो वो चीज है कि जब हम देख रहे हैं तो हमें थोड़ा सा उसको देखना चाहिए। एक और चला गूगल पे खोज लो, अरे भाई एक दिन वो आ जाएगा जब हम माँ बाप का नाम भी गूगल पे खोजेंगे। आप लोग गूगल पे भरोसा करते हैं? गूगल भी तो मैंने ही बनाया है, उसे कोई बाहर से बनाने वाला तो नहीं आया। गूगल पे अपडेट भी तो मैं ही करता हूँ, मैं ही तो न्यूज डालता हूँ, मैं ही तो समाचार डालता हूँ उस पर, फिर आप उस पर कैसे भरोसा करते हैं? बहुत सारी ऐसी साइटें हैं, आप विकिपीडिया खोल लीजिए, खोल के देख लेंगे सर, गुरुजनों पर विश्वास नहीं करेंगे, विकिपीडिया पर विश्वास करेंगे। वो भी तो मैंने दिया है, मैंने तो वहां पर फोर्स डाले और आप उस पर विश्वास करते हैं नहीं? नो, आप चारों तरफ से जानकारी इकट्ठा करके तब उसको, तो ये चीजें होगी। ये जो आत्मविश्वास की कमी दिखाई देती है वो उसको छोड़ना होगा और हमें निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करना होगा, और वो चीजें बहुत जरूरी है। प्राय
मुझे स्कूलों में जाने का मौका मिलता है या कई बार मैं रैंक देखने के लिए जाता हूँ व्याख्यान देने के लिए, वो बुलाते हैं मुझे बाकी, तो प्राइमरी उनसे वही चीजें बात है, सर हम कंप्यूटर कब का यूज कर रहे हैं, कितने साल पुराना है, हम प्रयोगात्मक क्यों नहीं करते, हम थ्योरेटिकल क्यों जा रहे हैं, होता क्या है, जो विश्व की शिक्षा प्रणाली है हम उसमें बहुत पीछे हैं, इसलिए पीछे हैं कि वो प्रयोगधर्मिता करते हैं और हम सिद्धांतवादी हैं, यानी कि जो सैद्धांतिक चीजें उनके लटके हुए हैं, प्रयोग नहीं करते, नई चीजों को हम नहीं अपना रहे, इसलिए हम बहुत पीछे हैं। जब तक हम शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन नहीं करेंगे, जितने भी यहाँ पे अध्यापक बैठे हैं वो सब कुछ ना कुछ नई चीजें, नई क्रिएटिविटी उनमें होनी चाहिए, वो जो बहुत सारे प्रश्न को पढ़ के ये वो आपको बच्चों को रटा दिया, ये रखने वाली चीजें बहुत पीछे छोड़ दीजिए और कुछ नई चीजें खोजिए, क्रिएटिविटी कीजिए, दिमाग चलाइए कि हमें क्या करना है, किताबों से बाहर निकल कर भी देखिए दुनिया कितनी विशाल है, तो शायद आप जाग जाएंगे। तो मेरा यही प्रयास रहता है कि मेरी यही कोशिश रहती है कि नौजवान से रूबरू हूं और उनको बताऊं या मैं उनसे सीखूं। देखिए दुनिया में दो प्रोसेस है, लर्निंग बाय डूइंग, डूइंग बाय लर्निंग, सीख के करो करके सीखना, इसके सिवा दुनिया में कोई तीसरा प्रोसेस नहीं होता। आप किसी को फॉलो करते हैं या आप तय करता है, कुछ लोग पदचिन्ह बनाते हैं और कुछ पदचिन्हों पर चलते हैं, आपको क्या बनना है आपको तय करना, पदचिन्ह बनाने या पदचिन्हों पर चलना है। धन्यवाद। धन्यवाद।